बाबर जी लगातार दो बॉलों पर दो चौके मारे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ जी सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय अदर व्लॉग, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम तैमूर आबिद। तो चले करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। आपको पता है जी आज है मैच पाकिस्तान और इंडिया का, तो भाई टॉस होने वाला है, बस कुछ 3-4 मिनट रहते हैं भाई साहब। और ये देखिए जी हफीज साहब अपनी खच्चे मार रहे हैं, सारे दिन के दिन खच्चे मारी है। तो जी बादशो अभी बस मैच शुरू होने वाला है, तो जी चलते हैं जी, टॉस होने वाला है, टॉस दिखाते हैं, अपना क्या देखते हैं जी टॉस कौन जीतता है अभी। ओए 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 भाई तबाही है आज, बिल्कुल तबाही। लो जी टॉस फेंक दिया गया है जी, सिक्का शिक्का गंजे जिताई मैं टॉस जिता दे। ओ तेरी हैरान भाईया, गंजे तेरा कख न रवे जी। तो यह टॉस हो चुका है, पाकिस्तान टॉस हार के जी बैटिंग कर रहा है। पहले इंडिया ने दावा दिया बैटिंग की, तो भाई चलते हैं जी देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से 350 रन का टारगेट तो होना ही चाहिए ना। रुको जरा, सबर करो, तब जाकर कोई मैच बनेगा, नहीं तो बादशो अफगानिस्तान का हाल देख लो मैंने क्या किया जी। तो भाई साहब मैच हो चुका है जी शुरू, पाकिस्तान कर रहा है पहले बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक और बामुल हक जी। भाई साहब ये दूसरा चौका लग चुका है दूसरे ओवर की पहली बॉल पर, भाई साहब मैं कहता हूँ आज तबाही होगी, तबाही 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 है बिल्कुल जी। सिराज साहब को आते साथ ही जी बाउंड्री पड़ी है इमामुल हक की। हाँ जी ये दूसरा लगातार चौका जी इमामुल हक का, बादशो मैं कहता हूँ जी आज उन्होंने तुन के रख दिया जी बादशो। इमामुल हक ने सिराज के दो बॉलों पर दो चौके मार दिए, मैं कहता हूँ तुन दिया आज इनको बिल्कुल जी। भाई साहब जी सिराज को पड़ चुका है एक ओवर में जी ये तीसरा चौका। ले भाई फिर चौका चेक करो जी इमाम दा, क्यों जी मतीन साहब चौका जा रहा है। ए ओ भाई बखियां बचा अपनियां जी। तो यार अभी बाबर आजम आ चुके हैं जी, सेंचुरी मारेगा ये जी इमरान हैदर साहब माहौल में जी। ये रिजवान साहब, शहजाद साहब, मौली साहब, ये जी मतीन साहब आए आए आए। ओ भाई साहब ये है जी हमारे ढोलकी साहब, ठीक है जी फुल ट्रेन है जी, दिखाए ना जरा अपना जलवा। बस 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 भाई साहब जी बाबर का पहला चौका जी। चल भाई बाबर शुरू हो जा, और बाबर टोक टोक, चल भाई बाबर मार चौका मार चौका। ओए ओ बच गई ओए बाबर। हेलो जी भाई 10 ओवर के एक बॉल हो चुकी है और 50 रन हो चुके हैं जी पाकिस्तान के, और एक आउट हो चुका है जी, लेकिन मैच अभी बड़ा बेहतरीन जा रहा है जी। बाकी इंशाल्लाह स्कोर बनेगा 300 से ऊपर। और ये जी बाबर साहब का जी पहला चौका जी, चौका 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 चौका। अरे ये बाबर का पहला चौका हो चुका है जी, अब बाबर की परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी है भाई साहब। आज बाबर को तुन चाड़ देगा जी, इन लोगों की वजह से ना पाकिस्तान कभी जीते ही नहीं है। तो आज फिर शर्ले आकर बैठ रही है इधर, और ये देखें जी हाँ जी, और ये जी फिर सिंगल हो गया बाबर, आज पता नहीं क्या खा कर आया है ये बाबर का जी दूसरा चौका। और ये बाबर जी लगातार दो बॉलों पर दो चौके मारे हैं, इन बाज फिर से फॉर्म में आ चुका है बाबर जी, आज इंशाल्लाह सेंचुरी बनाएगा बाबर जी। और जी ये जी मामूल हक का जी चौका, बादशाह जी काम हैवी हो गया जी बड़ा सारा जी।
मतीन साहब क्या बनेगा मैच का, दो आउट हो चुके हैं भाई, मतीन बहुत परेशान है भाई साहब, क्या होगा अब? हाँ बाबर कुछ करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, कोई उम्मीद नहीं। ओ बाबर आए ना रिजवान। हाँ मैं जी, तो यार अभी तीसरी विकेट भी गिर चुकी है पाकिस्तान की, और ये देखें जी तीन आउट हो चुके हैं पाकिस्तान के। रिजवान साहब आए हैं पांच वाले खेल के, एक रन बनाया है, तो बात अभी मंजी ठुकती चली जा रही है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो ओवर बहुत पड़े हैं, विकेट हैं, अभी चेक कर रहे हैं, अभी देखते हैं जी आउट है या नहीं है, देखते हैं जी पिचिंग साइड इनसाइड। और ये ओ ओ ओ ओ ओ ओ बातचीत हो गई। और इसकी शक्ल देख इस बुदेल की, बुदेल 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 बहुत तेज हो रहा है जी। तो यार रिजवान ने जी अभी चौका लगाया है जी, 15 ओवर 79 स्कोर हो चुके हैं जी, बेहतरीन जा रहे हैं, 23 ओवर में 100 रन मंजूर है हमें। ये विकेट पे रहना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए, 23 ओवर में 100 रन जो है ना वो हमें मंजूर है, आउट मंजूर नहीं है फिलहाल। और जी ये चौका लग चुका है जी, बाशो जी बाबर ने तो तबाही मचा दी है जी, बाशो हैवी किस्म का बाबर खेल रहा है भाई, बाबर का शॉट पक्का, बाबर का शॉट देता है जी। ओहो जी ये देखिए जी बाबर का चौका, चेक करें जी भाई साहब, मैं कह रहा हूँ गोडे खींचे हर शायद जी छिलियां बहनी है जी, इंडिया वाले आज चौके नहीं रुकने हैं। पर अभी दो गेंदों पर दो चौके लगे हैं जी, रिजवान ने मारे हैं जी बाशो, मजा आ गया जी। ये है जी जडेजा को दो बारों पर जी दो चौके मार दिए लगातार, और स्कोर हो गया जी 114 स्कोर, दो आउट 21 जगह 5 ओवर, इंशाल्लाह जी मैच बहुत जबरदस्त जा रहा है। बार 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 नॉट आउट नॉट आउट नॉट आउट जी। तो यार मैच अभी चल रहा है, मैच शाम तक चलेगा, लंबा मैच होगा रात में 10 बजे तक, तो उसके साथ ही ये देखिए पार्टी शार्टी हो रही है, बोले शोरली वाइटल टी भी है, ये निम्को शिमको, वो जो बंदा दरमियान में बैठा हुआ है ना, उसने दो दो निम्को जो है जेब में डाली हुई है, हक खा रहा है बाकियों का भी। ये बाबर खड़ा है जी, रिजवान भी खड़ा है अभी, तो ये रिजवान बैठा है, अच्छा जमाता जी आप बैठे हैं अभी, खड़े हो जाओ फिर। और ये जी और ये बाबर की हो गई है जी, बाबर की 50 हो गई है, 50 साल बना दिया जी बाबर आजम ने जी, और ये 50 हो गई है बाबर आजम की, 150 स्कोर, दो आउट, 29 ओवर हो चुके हैं, और बाबर की भी 50 हो चुके हैं मुकम्मल। और बाबर आउट हो गया, बोल्ड हुए अभी, तो बड़ी गंदी तरीके से गया जी, अंदर आइया है, बोल्ड हो गया, बस आपके नमूने सूख चुके हैं, लेकिन बोल्ड से बैठे हैं जी। ये देखें जी आपको दिखाते हैं बाबर कैसे आउट हुआ है, वो देखें जी, बाल ही नीचे बैठ गया था। लेकिन अच्छी बात यह है यार, चलो उसने परफॉर्म किया है, 50 रन आ चुके हैं उसके, बहुत इतने भी, लेकिन अभी आएगा साउथ शकील इंशाल्लाह, वो भी अच्छी बैटिंग करेगा, तो स्कोर अच्छा जा रहा है अभी, 155 रन है, 3 आउट है और 2 बॉलें रह गई हैं 30 ओवर होने में, तो इंशाल्लाह जी 300 पक्का है ना, अल्लाह खैर करे। देखें जी ये साउथ शकील पहली बॉल पर गंदा रन आउट होने लगा था, बहुत देखें जी बड़ी मुश्किल से बचा है, लग जाती बाल तो भाई साउथ शकील साहब की छुट्टी हो जाती, तो यकीन करें भाई हकीकत वाली बात है जी, थक गया था मैच आज, अगर ये आउट हो जाता तो ये देखें साहब के चेहरे देख लें, और जा चुके हैं जी ये मौली साहब हैं, ये समझ नहीं आ रही किस किस बोर्ड का है ना पाकिस्तान की ना आइडिया की। तो साउथ शकील भी आउट हो गया है, और इस टाइम चाचा आया खड़ा है जी, और चाचे दादे साथ ही पहले चौका मारा था जी, चौका लगाया उसके बाद ये अभी देखते हैं क्या करता है भाई साहब, भाई साहब चाचा भी आउट हो गया जी। पाकिस्तान की उम्मीद जी दम तोड़ती हुई, चाचा आउट हो गया, चाचा
आउट हो गया जी। चाचा तेरा कट ना रवे। कौन है ये लोग भाई साहब? चाचे को अब क्या कहे बंदा है ये चाचा? हाँ जी मती साहब, तेरे चाचे की तो फिर वार्ड लग गई है। ये तो यार छठा भी आउट हो चुका है, रिजवान हो गया जी। रिजवान साहब भी अभी जी पूरी पूरी वार्ड लग चुकी है। तो भैया मैं तो मैच सीधी बात है नहीं देख रहा, दूसरी इनिंग देखेंगे ठीक है। तो जब दूसरी इनिंग शुरू होगी तो फिर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, देखेंगे जी क्या ये रंग लगाते हैं ठीक है। फिलहाल मैं करने लगूँ जी टीवी को बंद। भाई कोई फायदा नहीं है भाई मैच देखने का, धोनी लेकर आऊँ 50 रुपए रेंट देना है वो भी जाया, पैसा बर्बाद। हाँ जी, जो भाई साहब पाकिस्तान की टीम पैक हो चुकी है बिल्कुल जी, 191 रन पर पैक हो गई है बिल्कुल। उन्होंने खप दी है डब्बों के अंदर, लोगों के लिए बहुत है। 192 रन का टारगेट दिया है पाकिस्तान ने, तो भी उन्होंने 2500 में 2500 में बना लेना है। देखते हैं जी क्या होता है, शमीन आज कुछ चमत्कार दिखाता है या नहीं दिखाता। लेकिन ये जी मतीन साहब है। हाँ जी क्या बना है? हेलो 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 जी जी, वो क्या हुआ है? हाँ क्यों, क्या हुआ है बता ना यार। मैंने बोला था ना जी। तो यार पहली विकेट गिर चुकी है शुभमन गिल शबनम गिल मेरी बला से जो भी है। शाहीन अफरीदी ने विकेट लिया है, शलजम गिल पहली विकेट गिर चुकी है। पहले दो ओवर में बादशाह उन्होंने ना सही टप्पा लगाया है, तो अभी शाहीन भाई ने जी विकेट ले लिया है। तो मैं अब थक चुका हूँ, बार बार नहीं उसके पास जा सकता ना जूम कर सकता हूँ ठीक है। आउट हो गया, साथ साथ बताते हैं दुआ करो शायद कोई है जी। सब्सक्राइब करो यार, मेरा शेयर भी करो यार। नहीं यार लो जी भाई जान जी, मैच हो गया जी फिनिश। तो इसे कहते हैं जी ठोक दिया जी। तो यार मैच तो गया बड़, इसे कहते हैं ना सही करके, वो ठुक गया मैच। तो बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस थी आज पाकिस्तान की। शुरू में यार 2-3 खिलाड़ी थे जिन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया मैच का, बाबर आउट हुआ, उसके बाद जी लाइनें लगती गई, तो बिल्कुल ही ना बकवास मैच हुआ है। इंडिया ने जहरी बात अच्छी क्रिकेट खेली है आज, तो मैच जीत चुके हैं। कोई नहीं, अगले मैच में जी अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद है बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। तो इस टाइम यार तबीयत बिल्कुल नहीं है ठीक है, क्योंकि अब दिमाग बड़ा ख़राब हुआ पड़ा है। तो अभी करने लगा हूँ जी यार व्लॉग को एंड, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।